चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हाँ। जिला गुरदासपुर के थाना घूमणकलां के अधीन आउंदे पिंड शकरी दे विच गोलियां चलण का मामला सामने आया है, जिथे कि गोली लगन दे नाल बलजिंदर सिंह नामक नौजवान गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया, जिसनू हस्पताल दे विच जेरे इलाज दे लई एडमिट करवाया गया। की कुछ कहा पीड़ित नौजवान बलजिंदर सिंह अते उसके पिता ने, सुनते हाँ उन्हां दे जबानी। इस संबंधी जब SHO थाना घूमणकलां दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि साढ़े IO बयान लैन दे लई गए हैं, जो भी तस सामने आउणगे उसके मुताबक बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार वालों लगाए गए आरोपों की पुष्टि चैनल अते पत्रकार नहीं करता। देख रहे हो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़, पत्रकार जतेंद्र थोड़ी तो सुखनाम सिंह की एक खास रिपोर्ट। मिलते हाँ अगली खबर के नाल। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम प्रताप सिंह, सानव गुरदीप सिंह, बच्चा मेरा बलजिंदर सिंह। बच्चे ने मामला ये भी जाने कि पिंड झगड़ा हो रहा ही, तो बच्चा साढ़ा उधर सौदा लैन गया ही दुकान पर, तो इनू पता नहीं इस गल का भी उधर झगड़ा हो रहा, तो उधर गोली गाली चलन डे ही, तो ये फिर सौदा लैके आन डिया ही, तो उन्होंने इनू मारता, ब्रैस्ट मारता गोली का। ये बलजिंदर सिंह वालों, तो उहदा प्यो रणजीत सिंह वालों, यानी कि उन्हें कहा भी एहो ही गाड़ी सिर कढ़दा ही वोटां च, बलजिंदर मारे दे गोली, इस करके अं गोली की आवाज़ सुन के बाहर निकले। पता हाँ सबका सरपंच ही, तो सरपंच ही माड़े मोटे झगड़े हुए ही, अगे भी एक दो बारी हटते परचे परचे करवाए, तो चलो माँ की कृपा ही अं सचे हाँ नहीं बनया कुछ भी, इस करके इनू प्राणी खुनक ही यदि ता करके साढ़े ना ये पंगा पुंगा रखता है, ये करके इन्हें साढ़े ना वैर कट लिया। बेटे की गोली मारी ये जिते झगड़ा हो रहा उधरों सौदा लैन जा रहा दुकान तो गोली गोली वो डौले तो लगी इतने झगड़ा इन्हों चौधरियां पार्टी बाजी ना हो रहा है कोई, तो साढ़े ना तो पहले ही कोई खुंदक ही यदि कोई पैली पुली बने बुन रावं रूह तो ही, तो इस करके साढ़े ना खुंद के रखता ही, तो सानू तो मुंडा तो साढ़ा एन रहा ही है बहरों आया ही, विआह होया ही हूँ यदा, इन्हें तो बहर जाना है, अं तो लड़ाई वाल जाते ही नहीं, बहर सानू रौला जो सुनिया तो अं बहर निकले, तो उतों पता लग गया भी गोली लग गई, बलजिंदर गोली वज गई आ, अं जाके वेख्या तो बलजिंदर डिगा ही, फिर अं चुके इनू लैन दा नशहरे नू, नशहरे विखाया तो नशहरे वाले हाँ गाड़ी आँदे भी साढ़े वास की गल नहीं, तुम रैफल गाड़ी गुरदासपुर कर करता उन्हें गुरदासपुरों, फिर अक्से उसे लवाए उन्हें, फिर कहा भी तुम अमृतसर लै जाओ, अमृतसर लैन का तो इतने रात का चलन रहा ट्रीटमेंट, पर अजे तक यदि गोली जी है भी तो कढ़ी नहीं गई। पुलिस हाँ जी पुलिस ने की शिकायत की इतों, यानी कि हस्पताल चो चौंकी तो फोन गए अथे थाने भी ढाडा इत एकदम मरीज आया वा, ये करके तुम आन के यदि बयान बयून लै जाओ। हाँ हूँ आए नहीं वेखो की बनता, अं तो प्रशासन यो मंगते हैं इंसाफ मिलना चाहिए सानू, हाँ जी इंसाफ चाहिए सानू, हाँ बस हो नहीं सानू कोई भी चाहिए, बस इंसाफ ही चाहिए। हाँ जी हाँ जी सर की नाम जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। हाँ जी पिंड सकदी सरपंच जी। मामला इदा हो मैं प्रताप सिंह ने फोन किया वा, जरूर यह गल हुई है भी अद्धे बेटे को गोली लग गई है, मैं पिंड का सरपंच होने के नाते उत्थे पहुंचा वा, जाके मैं प्रताप सिंह के घर वेख्या तो ठीक बेटे को गोली लगी, तो बेटा बोस पिया है, उदू बाद बेटे को चुके आप खड़िया वा नौशहरा मझा सिंह, उस तो बाद सूँ उतों रैफर करता भी नहीं साढ़े वक्त की गल नहीं कि तुम गुरदासपुर लै जाओ, रात अं 12-11 बजे गुरदासपुर पहुंचे हैं, तो उतों ही उन्होंने रैफर करता भी नहीं मतलब साढ़े वक्त की गल नहीं गई, गोली ज्यादा वा तुम अमृतसर गुरु नानक लै जाओ। नहीं उस टाइम उत्थे नहीं मौजूद, उस टाइम तो भज भुज गए थे, उस टाइम सिर्फ यो देखा भी गोली लगी इन्हों, तो यह बोस पिया है। देखो जी कहना की है, हाँ बच्चे की गोली लगी है, अजे 24-25 साल का बच्चा वा, इंसाफ मिलना चाहिए वा, इदा तो कोई हर कानून आन के घर चाण के गोली मारेगा, जो इंसाफ ना मिले तो हाड़ी तो यो प्रशासन को मांग आ भी सख्त तो सख्त इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए है, तो पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। मौजूदा नुमाइंदे जे सरपंच जे एक पिंड दे लगातार जो गोलियां चलन के मामले जो सामने आ रहे किदां देखदे की कहना चाहोगे? देखो जी ये प्रशासन की ढिली ढिली कारगुजारी है, पहला तो प्रशासन तो सरकार भी बदल गई, हुण बड़े बड़े वादे किए, देखो की करते हैं,
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਨਾ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ 10 ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਹਨ ਸਪਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਗਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫੜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਕੀ 10-12 ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੜ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਤਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਾਤਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਣਸਪਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਰ ਦੂਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੇਟੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਫੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਝਗੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਸ਼ਗਰੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ MLR ਵਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡੇ IU ਗਏ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸਰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ IU ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। इंडिया क्राइम न्यूज, जुर्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।